यह चैनल प्रोफेसर एलवी गायकवाड़ का चैनल है। मैं खुद प्रोफेसर एलवी गायकवाड़ बोल रहा हूँ। आज हम अंग्रेजी का वीडियो हिंदी में देख रहे हैं। बच्चों ने मुझे बोला हुआ है कि यह वीडियो हिंदी में बनाओ। वैसा देखा जाए तो मैं मराठी बोलने वाला हूँ, फिर भी यह बच्चों के लिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आप मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए। यहाँ पर वीडियो जो भी है वो है डायरेक्ट स्पीच विथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ पर बोलना यह है कि वीडियो नंबर 434 है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट सेंटेंस। हुरा, हाउ ग्लैड आई एम, द मैन शाउटेड। यह फर्स्ट सेंटेंस है। अभी इसका जो उत्तर है, ये उत्तर है द मैन एक्सक्लेम्ड विथ ग्रेट जॉय दैट ही वॉज वेरी ग्लैड। यहाँ पर फुल स्टॉप आया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट होता है वह पहले लिया जाता है, इसलिए मैंने वो पहले यहाँ पर लिया हुआ है। और द मैन ए स्पीकर है और इसे मैंने वैसा का वैसा लिया हुआ है। एक्सक्लेम मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पर ये उद्गारवाचक वाक्य है और यहाँ पर एक्सक्लेम्ड लिया जाता है रूल के अनुसार, इसलिए मैंने एक्सक्लेम लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने विथ ग्रेट जॉय ऐसा लिया हुआ है, मतलब ऐसा है कि यहाँ पर हुरा ये शब्द आया हुआ है। हुरा का मतलब होता है आनंद, जॉय, इसलिए यहाँ पर मैंने विथ ग्रेट जॉय लिया हुआ है। फिर बाद में मैंने यहाँ पर दैट लिया हुआ है क्योंकि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसे हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में रूपांतरित करते हैं वहाँ पर दैट नाम का कंजंक्शन लिया जाता है, इसलिए मैंने वो लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्पीच और जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है उसे मैंने यहाँ पर मिलाया है, एक दूसरे के साथ मैंने यहाँ पर इस कंजंक्शन से मिलाया हुआ है, इसलिए वो आ गया है कि द मैन एक्सक्लेम्ड विथ ग्रेट जॉय दैट ही वॉज वेरी ग्लैड। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये ही वॉज वेरी ग्लैड क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाउ ग्लैड आई एम, यह जो वाक्य है यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य है, इसे मैंने असर्टिव में किया हुआ है, यानी असर्टिव ऐसा करना चाहिए इसलिए मैंने किया हुआ है और वो असर्टिव हुआ है आई एम वेरी ग्लैड। ये जो हाउ है इसका मैंने वेरी लिया हुआ है और वाक्य हुआ है आई एम वेरी ग्लैड, और उस आई एम वेरी ग्लैड का मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में किया हुआ है और वो हो गया आई का ही हो गया है क्योंकि वहाँ पर वो मेल है, यानी वहाँ पर वो पुरुष खुद को बता रहा है, इसलिए मैंने ही किया हुआ है। एम का मैंने यहाँ पर वाज किया हुआ है क्योंकि हमेशा उसका वाज होता है। ये जो वेरी आया हुआ है हाउ के बदले में जो वेरी लिया गया है, ये वेरी यहाँ पर वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि वो एडवर्ब है, इसलिए वेरी वैसा का वैसा लिया गया है। ग्लैड एडजेक्टिव है, उसे भी वैसा का वैसा लिया गया है और बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप दिया गया है। बोलने की बात यह है, बताने की बात यह है कि ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं उन्हें निकाल देना चाहिए और मैंने निकाल दिए है और बाद में सिर्फ मैंने यहाँ पर एक फुल स्टॉप रख दिया है। और ये जो इनडायरेक्ट स्पीच बना है उसके आखिर में मैंने यहाँ पर एक फुल स्टॉप दिया है, वैसा हमेशा करना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं वाक्य नंबर दो के ऊपर। रमेश सेड हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम। सो देखिए यहाँ पर ये रमेश मैंने लिया हुआ है, ये उत्तर है। रमेश एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है ये वाक्य का मतलब या देखिए मतलब देखने की तो कोई जरूरत है नहीं, फिर भी इसका अप्रत्यक्ष कथन यानी इनडायरेक्ट ऐसा किया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने रमेश जो है वो रमेश वैसा का वैसा लिया है क्योंकि ये बोलने वाला है और बोलने वाला वैसा का वैसा लिया जाता है। ये सेड के बजाय मैंने यहाँ पर एक्सक्लेम लिया हुआ है और विथ रिग्रेट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि
हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम, इसमें रिग्रेट है, इसमें थोड़ा सा रिग्रेट बताया हुआ है, इसलिए मैंने विथ रिग्रेट लिया हुआ है। ए दैट यहाँ पर मैंने लिया है क्योंकि दैट से ए वाक्य मैंने मिलाया है। यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट और डायरेक्ट स्पीच का पार्ट इस कंजंक्शन दैट से मैंने यहाँ पर मिलाया हुआ है, इसलिए मैंने दैट नाम का कंजंक्शन यहाँ पर लिया हुआ है। और ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये भी जो दिख रहा है और बनाया गया है, ये इस वाक्य से बनाया गया है। हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम, इस सेंटेंस को यानी इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस किया गया है, यानी आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट ऐसा किया हुआ है। और इस आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट का जो भी इनडायरेक्ट स्पीच है ये यहाँ पर किया हुआ है। आई का यहाँ पर ही किया हुआ है, ये जो एम है इसका वाज किया हुआ है, और वेरी का वेरी लिया गया है, अनफॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेट लिया गया है, क्योंकि वेरी और अनफॉर्चुनेट नहीं बदलेंगे, क्योंकि वेरी यह क्रिया विशेषण है यानी एडवर्ब है, और अनफॉर्चुनेट ये एडजेक्टिव है, ये दोनों यानी विशेषण है, ये दोनों नहीं बदलेंगे, इसलिए वैसे के वैसे वो रखे गए हैं और यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। बताने की बात यह है कि यहाँ पर जो भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होते हैं वो बदल दे यानी वो निकाल देना चाहिए, और वहाँ पर सिर्फ जो इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य होता है उसके आखिर में सिर्फ और सिर्फ एक फुल स्टॉप रखना चाहिए कि जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं वाक्य नंबर 3 के ऊपर। फन कॉलर इज सेड टू हिमसेल्फ, अभी ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसका इनडायरेक्ट बनाया गया है कि कॉलर इज वैसे का वैसा रखा हुआ है क्योंकि ये बोलने वाला है, एक्सक्लेम्ड लिया गया है क्योंकि यहाँ पर उद्गारवाचक वाक्य है, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेम्ड लिया हुआ है ए सेड टू के बजाय। हिमसेल्फ यहाँ पे सुनने वाला है, इसलिए वैसे का वैसा हिमसेल्फ को रखा गया है। विथ वंडर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है क्योंकि ये फनी जो लफ्ज है यहाँ पर या शब्द यहाँ पर आया हुआ है इसमें वंडर बताया गया है, और इसीलिए यहाँ पर मैंने विथ वंडर लिया हुआ है। बाद में मैंने यहाँ पर ये यह जो दैट है यह दैट मैंने लिया, ये जो दैट है ये कंजंक्शन के रूप में आया है इसलिए उसे यहाँ पर लिया गया है। इट वॉज वेरी फनी यह यहाँ पर वाक्य किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये जो फनी है इसका मैंने असर भी बनाया है, इट इज़ वेरी फनी, और इट इज़ वेरी फनी का बनाया है, इट वैसा का वैसा रखा है, इसका वाच किया हुआ है, और वेरी फनी वैसे के वैसे रखे हुए हैं क्योंकि वो नहीं बदलेंगे क्योंकि ये जो वेरी है ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, और फनी जो भी है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसलिए वो दोनों नहीं बदलेंगे। और आखिर में मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। कहने की बात यह है कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा ये सब निकाल देना चाहिए, और जो इनडायरेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट के नियम से करना चाहिए, और बाद में एक फुल स्टॉप रख देना चाहिए, वैसा मैंने यहाँ पर रख दिया हुआ है और इनडायरेक्ट मैंने किया हुआ है। आखिर का जो सेंटेंस है यानी लास्ट का जो भी सेंटेंस है वो 4 नंबर का है, वहाँ पर हम आ गए हैं और अभी मैं पढ़ूंगा। ओ आई एम बीटन ही एक्सक्लेम, ये जो वाक्य है इसका इनडायरेक्ट ऐसा किया गया है, ये ही जो है वैसा का वैसा रखा गया है क्योंकि ये बोलने वाला है, एक्सक्लेम्ड लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी ये रेडीमेड एक्सक्लेम आया है इसलिए उसे वैसा का वैसा यहाँ पर लिया हुआ है। विथ सारो लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पर जो भी मतलब है आई एम बीटन यानी यहाँ पर उसको बाइट किया गया है यानी उसको बाइट किया गया है इसलिए आई एम बीटन ऐसा है, इसीलिए उसमें सारो बताया गया है इसलिए मैंने विथ सारो लिया हुआ है। फिर बाद में मैंने यहाँ पर दैट लिया हुआ है, दैट लेने का मतलब आपको पहले बता हुआ है, अभी भी मैं बताऊँगा कि यहाँ पर दैट नाम का कंजंक्शन लिया जाता है इसलिए मैंने दैट लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने ही वॉज बीटन ऐसा किया है क्योंकि ये जो आई एम बीटन है ये तो असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैंने सिंपल पास्ट किया हुआ है, और ये जो आई है इसका मैंने ही किया क्योंकि ये मेल है, पुरुष है, इसलिए ही हुआ है। ये एम का मैंने वॉज किया है, और ये जो बीटन है
जो पास्ट पार्टिसिपल है उसे मैंने वैसे का वैसे यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल नहीं बदलता, इसलिए यहाँ पर उसे वैसा का वैसा रखा गया है और बाद में मैंने फुल स्टॉप दिया है। और मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होते हैं इन्हें निकाल देना चाहिए जैसे कि मैंने निकाल दिए हैं, तो वैसा निकाल देना चाहिए और फिर ये जो इनडायरेक्ट है वो करना चाहिए और बाद में एक फुल स्टॉप दे देना चाहिए। वैसा मैंने किया हुआ है, वैसा आप कीजिए। देखिए मैंने आज आपको ये वीडियो मैंने हिंदी में बताया है क्योंकि बच्चों ने मुझे हिंदी में बताने का बोला था। मैंने यही वीडियो अंग्रेजी में भी किया हुआ है, ऐसे दो वीडियोस, एक ही वीडियो के मैंने दो वीडियो बनाए हैं। आपको मैं विनती करता हूँ कि कृपया करके आप मेरा ये वीडियो हिंदी में मैंने बनाया, मैं तो ऐसा हिंदी भाषा बोलने वाला नहीं हूँ, फिर भी मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, इसलिए आपको ये वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट कीजिए। मेरा जो वीडियो है सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अब यहाँ पे आपकी विदा ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।